बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई। इस वक्त हम तिल की फसल के अंदर मौजूद हैं। तिल का ये खेत है। हमारे काश्तकार दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त तिल की फसल के अंदर मिरिडबग का हमला बहुत ज़्यादा हो गया है। हर खेत के अंदर मिरिडबग का हमला नज़र आ रहा है। ये मिरिडबग होता क्या है, किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा होता है और किस तरह से हमें तिल की फसल के अंदर मिरिडबग को कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुताबिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश को मिरिडबग होता किस तरह का है सबसे पहले आपको ये बताते हैं। इसके अलावा इस वक्त हमारे बहुत से काश्तकार जो ये कह रहे हैं कि फूल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, केरे का अमल हो रहा है, तिल के खेतों के अंदर फूल बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। देखो भी, मिरिडबग एक रस चूसने वाला कीड़ा है। जब ये पौधे को कमज़ोर कर देता है, पत्तों को कमज़ोर कर देता है, तो पौधा कमज़ोर होकर फिर फल गिरा रहा होता है, यानी फूलों को गिरा रहा होता है। अब जैसे ही तिल की फसल हमारी 35-40 दिन की होती है, फूल उठाना शुरू कर देती है, 65-70 दिन तक फूल उठाती रहती है। यानी ये जो एक महीना होता है ये बड़ा कीमती होता है। इस एक महीने के अंदर आप जितना फूल बढ़ा लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पैदावार बन रही होती है, क्योंकि उतने ही ज़्यादा कैप्सूल बनेंगे, उतने ज़्यादा तिल आपको हासिल होंगे, आपकी पैदावार ज़्यादा आ रही होती है। इस वक्त अगर हमारा काश्तकार दोस्त जो है वो सोया रहता है या अपने खेत के अंदर जाके नहीं देखता तिल की फसल को, तो ये मिरिडबग जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। मिरिडबग क्या करता है, एक रस चूस के पौधे को कमज़ोर कर रहा होता है और इतना छोटा होता है, हमारे काश्तकार दोस्त को अक्सर नज़र नहीं आता। दूर से अगर हम देखते हैं तिल की फसल तो आपको हरियाली में नज़र आएगी, बिल्कुल ठीक नज़र आएगी, लेकिन जब आप करीब आकर देखोगे तो आपकी तिल की फसल के अंदर आपको ये मसला नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा करीब आ जाएं, भी आपको जो है मिरिडबग दिखा रहे हैं कि किस तरह का मिरिडबग होता है। आ जाएं सर, आगे आ जाएं। देखो भी, आपने तिल की फसल के ऊपर सबसे पहले आपने ऊपर से पौधे को देखना है। अब इस पौधे को आप गौर से देखें, इसके हर पत्ते के ऊपर आपको पीले रंग के धब्बे नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये पीले रंग के जो धब्बे नज़र आ रहे हैं आपको, ये मिरिडबग की एक ख़ास निशानी है कि मिरिडबग रस चूस चूस के पत्तों को कमज़ोर कर रहा है। पीछे से पत्तों से रस चूस रहा होता है, ऊपर से पत्ता आपको इस तरह से पीले पीले धब्बे नज़र आ रहे होते हैं। जब ज़्यादा रस चूस लेता है तो इस तरह से आपको जंग नुमा दाग धब्बे भी नज़र आते हैं, जैसे कि इधर जंग नुमा ये धब्बा नज़र आ रहा है, या इन पत्तों को जब आप देखते हैं तो आपको ये देखें, ये इस तरह से जंग नुमा धब्बे नज़र आ रहे होते हैं, ये मिरिडबग की वजह से है। देखो, पत्ता हरियाली के अंदर होना चाहिए, इस तरह से इसके इस तरह से दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। ये पत्ते की कमज़ोरी की निशानी है कि उसने इस तरह से पत्तों को ख़राब कर दिया। ख़ासतौर पर नए पत्तों को देखें किस तरह से ख़राब कर रहा है। और मिरिडबग होता किस जगह पे है, सबसे पहले आपने इस कोपल को चेक करना है, वो इस कोपल के अंदर छुपा होता है। ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, शायद मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये मिरिडबग है, ये आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, मैं हाथ को ऊपर ले आऊँगा, ये आपको ये जो है मिरिडबग है। ये देखो, आपको ये कोपल के अंदर नज़र आएगा इस तरह से, जो ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जब आप देखोगे तो नीचे जब फूल होंगे, फूलों के अंदर आपको ये नज़र आएगा, ये जो फूल हैं इनके अंदर आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद जब आप पत्तों को देखोगे तो पत्तों के निचली साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा ये बहुत ज़्यादा। ये देखें, पत्तों को जब हम देखते हैं तो ये मिरिडबग बैठा हुआ है, ये मिरिडबग है, जो अब ये मैंने उंगली पे उठा ली, ये मिरिडबग है। देखो, बहुत छोटा होता है, ये सबज तेले की तरह से ही होता है, हमारे काश्तकार तो उसी से सबज तेला ही कह रहे होते हैं। देखिए, इस पत्ते के ऊपर आप देखें तो आपको ये ज्यादा नजर आएगा, ज्यादा तादाद के अंदर ये बैठा हुआ है, और उसके बाद फिर ये नज़र आ रहा है आपको, ये चलता हुआ, ये मिरिडबग है। काश वो ये रस चूस के पौधों को कमज़ोर कर देता है, पौधों के अंदर से हरियाली निकल जाती है, आपकी फसल जब कमज़ोर होती है फूल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। मिरिडबग को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि आप क्लोथिनाडीन जहर का इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ कंपनियों के पास मुख्तलिफ नामों से ये जहर मिल जाता है, हर कंपनी के पास ये जहर मौजूद है। 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से जब आप क्लोथिनाडीन का स्प्रे करते हैं अपनी तिल की फसल के ऊपर, यानी 50 मिलीलीटर आपने एक टैंकी के अंदर डालना है, 4 से 5 टैंकियाँ आपकी लगेंगी,
आप इसे एक स्प्रे कर देंगे तो ये कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक स्प्रे से ही कंट्रोल नहीं होगा, आपको इसका रिपीट स्प्रे करना पड़ेगा, दोबारा भी स्प्रे करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद आप दोबारा भी स्प्रे करेंगे। इसके अलावा ये स्वात एग्रो कंपनी का बोल्टन के नाम से जहर मिल रहा होता है, उसके जरिए भी आप मेरिड बग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बायर कंपनी का रीजेंट के नाम से 80% WG 30 ग्राम की एक पूरी साशे मिल रहा होता है, वो उसके जरिए भी आप इस मेरिड बग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो काशो इस तरह से मेरिड बग का वक्त पे कंट्रोल करके आप अपनी तिल की फसल को बचा सकते हैं, और अगर आप स्प्रे नहीं करते तो आपका पूरा का पूरा खेत जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। पहले तो आपको ये इस तरह से कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा, इस वक्त इस फसल के ऊपर मेरिड बग का हमला है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद क्या होगा कि यहाँ आपको गुलदस्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे, पौधे जिसे फ्लोडी की बीमारी कहते हैं, पौधे इस तरह के गुलदस्ते की शक्ल के अंदर आप आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये रस चूसने वाले कीड़े जो हैं ये साथ में बीमारी भी फैला रहे होते हैं, ये एक जहरीला मादा भी खारिज कर रहा होता है जिससे पत्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं। इसके अलावा एक बीमारी वाले पौधे से जरासीम उठा के दूसरे पौधे के ऊपर इस तरह से फ्लोडी वाले जो गुलदस्ते हैं आपको वो पहले खेत के अंदर 5-10 नज़र आएंगे, फिर 50-100 और इससे भी ज़्यादा तादाद के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपका सारा का सारा खेत ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले कि आपका फसल, आपकी तिल की फसल बर्बाद हो जाए, आपको चाहिए कि आप मेरिड बग के 1 से 2 स्प्रे करवा लें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।